इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का 25 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बुक है हमारा एम करीम, चैप्टर ग्रेविटेशन। चलिए देखते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 में लिखा हुआ है कि हाउ हाई, कितना ऊपर ए मैन विल बी एबल टू जंप, कितना ऊपर एक आदमी जंप कर सकता है ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्लैनेट, एक ग्रह पर एक आदमी, एक ग्रह पर एक आदमी कितना ऊपर जंप कर सकता है। किसी ग्रह पर एक आदमी कितना ऊपर जंप कर सकता है जिसका रेडियस 320 किलोमीटर है। जिसका रेडियस 320 किलोमीटर है बट हैविंग डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, लेकिन डेंसिटी पृथ्वी के डेंसिटी के बराबर है। डेंसिटी पृथ्वी के डेंसिटी के बराबर है। इफ ही जंप्स 5 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर यह आदमी पृथ्वी के सतह पर 5 मीटर जंप कर सकता, अगर ये आदमी पृथ्वी के सतह पर 5 मीटर जंप कर सकता है तो बताओ कि इस ग्रह पर कितना मीटर जंप कर सकता है। 5 मीटर जंप करने का मतलब 5 मीटर बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। अगर कोई आदमी यू वेलोसिटी सोच रहा होगा, अगर कोई आदमी यू वेलोसिटी से पृथ्वी पर से जंप किया तो कितना ऊपर जाएगा, 5 मीटर। तो पास का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। मतलब पढ़े मोशन नहीं सब बात, कि जब कोई वस्तु को हम यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं कितना ऊपर जाता है, बोले यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g का मान 5 है। तो यहाँ कितना ऊपर जाएगा, h का मान कितना होगा, बोले यहाँ h का मान होगा यू स्क्वायर बाई 2gp, यहाँ h का मान होगा यू स्क्वायर बाई 2gp। यू का मान थोड़े चेंज होगा, यू का मान थोड़े नहीं चेंज होगा। आप किसी वस्तु को 20 से फेंके, आप किसी वस्तु को 20 से फेंके पृथ्वी के सतह पर, तो ग्रह पर भी 20 से फेंकिए। मैंने यहाँ 20 से फेंकना नहीं है, एक आदमी अपना क्षमता है ना, जैसे हमारा क्षमता है कि हम अपने आप को उछालते हैं ऊपर की ओर 20 के स्पीड से। तो जैसे ही आप अपने आप को उछाले 20 के स्पीड से ऊपर, तो फिर भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का काम है कि आपको कितना जल्दी रोक पाएगा। जिस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक जाने के बाद रुकिएगा, जिस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर पहले ही रुक जाइएगा। लेकिन आपका क्षमता तो वही है ना, अगर आप पृथ्वी के सतह पर अपना जो क्षमता है लगाएं और 20 के स्पीड से ऊपर उठे, तो आप किसी ग्रह पर भी जाएगा तो अपना क्षमता लगा तो 20 के स्पीड से ऊपर उठिएगा। बात यह अलग है कि उस ग्रह का अगर जी का मान ज़्यादा है तो जल्दी रोक देगा, और किसी ग्रह पर जी का मान कम है तो देर से रोकेगा, तो ज़्यादा ऊपर तक जाइएगा। इसका मतलब मेन खेलना यहाँ जी का है कि इस ग्रह पर जी का मान क्या है निकालो। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर gm बाई आर स्क्वायर, लेकिन एम के रूप में नहीं काम बनाते क्योंकि डेंसिटी के रूप में खेला हो रहा है। प्लैनेट का डेंसिटी पृथ्वी के डेंसिटी के बराबर है, इसलिए मास के रूप में फॉर्मूला को चेंज करते हैं, डेंसिटी के रूप में जरा सॉल्व करते हैं। तो 4/3 πr³ρ बटा आर स्क्वायर, तो आ गया जी गुना 4/3 πr⍴ ई। जी का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी के रूप में, इसका भी फॉर्मूला निकालो डेंसिटी के रूप में, जी 4/3 πr और रो। तो जी 4/3 π, प्लैनेट का रेडियस अर्थ की रेडियस का क्या हिस्सा है, 20वां हिस्सा। पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर, इसका 320 किलोमीटर, 6400/320 20वां हिस्सा है, अभी तो बराबर है। अब अगर दोनों में तुलना किया जाए तो आपको लगेगा कि तो जी बटा 20 लिखा हुआ है, पृथ्वी के जी का 20वां हिस्सा है, इसका मतलब यहाँ पर लिखाएगा जी बटा 20, यहाँ पर क्या लिखाएगा जी बटा 20। और जी बटा 20 लिखाएगा तो 20 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो इसका मान आएगा 20u² / 2g। आज इसका भाई 2g का मान कितना है, 5, तो 20 × 5 = 100। मोटा मोटी यह समझिए कि जितना जी का वैल्यू जितना गुना कम होगा आप उतना गुना ज्यादा ऊपर उठेगा। यहाँ पर 5 मीटर उठ रहे थे, चूंकि यहाँ पर जी का मान इस वाले जी के मान से 20 गुना कम है, तो यहाँ पर जी का मान 20, एच का मान 20 गुना ज्यादा होगा, 20 × 5 = 100।
सेम सवाल 26 है, ये बनाने लायक सवाल भी नहीं है कि हाउ हाई अ मैन कैन जंप ऑन द सर्फेस ऑफ मून। बताओ कि चंद्रमा के सतह पर कोई आदमी कितना मीटर ऊपर उठ सकता है। इफ यू जंप 5 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अगर पृथ्वी पर 5 मीटर ऊपर उठता है तो चंद्रमा के सतह पर कितना मीटर ऊपर उठेगा। अगर चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 5 गुना कम हो, अभी 20 गुना कम है तो 20 गुना ज्यादा उठा, तो 5 गुना कम है तो 5 गुना ज्यादा उठेगा, तो 5 मीटर पृथ्वी की सतह पर उठेगा तो चंद्रमा पर 25 मीटर उठेगा। तो 26 का आंसर आसान है, उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 25 मीटर। नेक्स्ट आते हैं 27 में। व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह से कितना नीचे जाने पर सूट ए सिंपल पेंडुलम बी टेकन, पृथ्वी के सतह से कितना अंदर जाना चाहिए एक सिंपल पेंडुलम को लेकर के, सो दैट ताकि टाइम पीरियड बिकम्स डबल, टाइम पीरियड का मान दुगना हो जाए। माने कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टाइम पीरियड का मान पृथ्वी के सतह पर के टाइम पीरियड के मान का दुगना हो जाना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π अंडर रूट एल बाई जी बराबर 2 × 2π अंडर रूट एल बाई जी। अब पृथ्वी के सतह से अंदर जाने पर सिंपल पेंडुलम के लंबाई में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π अंडर रूट एल बाई जी। ऐसा आप न्यूटन ऑफ मोशन में जब SC वरुणा सवाल चयन करी में सवाल सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर सिंपल पेंडुलम का यूज होता था और वहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था 2π अंडर रूट एल बाई जी। और अभी हम लोग रेपिटेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी फॉर्मूला प्रूफ होकर भी सामने आएगा 2π अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन जी का मान ना चेंज होगा पृथ्वी के सरफेस से जाने पर, एल का मान थोड़ा ना चेंज होगा। तो 2π से 2π कैंसिल, दोनों तरफ वर्गमूल कर स्क्वायर कर दें, तो एल से एल कैंसिल, तो जी डेप्थ बराबर जी सरफेस बाई 4। तो जी डेप्थ का फॉर्मूला जी इंटू 1 - h/r बराबर जी बाई 4, जी से जी कैंसिल, 1 - h/r बराबर 1/4, एच बाई आर बराबर 3/4, एच बराबर 3r/4, आर का मान 6400 / 4 1600 किलोमीटर पृथ्वी के से अंदर जाने पर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का मान क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट, एक सतह के एक ग्रह के प्लैनेट पर जी का मान बताना है। हुज मास इज डबल ऑफ द अर्थ, जिसका मास पृथ्वी के मास का दुगना है। And radius half. तो G mass Earth by R Earth का square और ये दोनों चार, चार जगह पर तो चार दोनों 8, तो आएगा 8G। तो ये निकालना है कितना होगा, ऐसे होता है 9.8, तो 8×9.8 64 का 4 बाकी बचा 6 72 78। ओके, एक ग्रह था जिसके प्लैनेट पर जी का मान निकालना था, तो जी का फॉर्मूला पता नहीं सतह पर gm/r², लेकिन प्लैनेट का मास पृथ्वी के मास का दुगना है और प्लैनेट की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है।
आइए क्वेश्चन नंबर 29। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट। फिर प्लैनेट पर निकालना है। ओके, हुज रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। जिसका कि रेडियस पृथ्वी के रेडियस का आधा है। बट द मीन डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। लेकिन डेंसिटी पृथ्वी के बराबर है, मास नहीं, डेंसिटी। तो मास को पलट दो, 4/3 pi, इसको मान्य रखते हैं, 4/3 pi r³। अब उन्हें रो सब कुछ प्लैनेट का लिखा रहा, प्लैनेट का gm/r² जी आई वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा, यहां बचेगा वो आर प्लैनेट। अब इसको लिखो g 4/3 pi r² अब उन्हें रो प्लैनेट जी है, लेकिन लिखा हुआ है कि E किसका है, रेडियस इज हाफ, रेडियस हाफ है, माने आर अर्थ बाई टू, टू बाहर लिखते हैं, आर प्लैनेट बराबर आर अर्थ बटे टू, और रो प्लैनेट बराबर रो अर्थ, तो हो गया पृथ्वी पर का जी, तो हो गया जी बाई टू, तो 9.8/2 4.9। जब भी डेंसिटी के रूप में सवाल रहे ना, मास को तोड़ लीजिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और आर स्क्वायर से फिर आर को काटिए, जी का फॉर्मूला वोला बना दीजिए, मास पर खेला हो जी का फॉर्मूला रहने दीजिए gm/r², जैसी डेंसिटी पर खेला जाए मास को बदल दीजिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, अब आर क्यू आएगा वॉल्यूम वाला में, आर क्यू से आर स्क्वायर काट लीजिए, आर ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा जी गुने 4/3 pi रेडियस गुने डेंसिटी। अगर यहाँ पर रेडियस लीजिएगा पृथ्वी का, पृथ्वी का ये तो प्लैनेट का लिखा हुआ है, ये वो प्लैनेट पर का जी, ये प्लैनेट पर का जी का मान है, तो ये हो गया अर्थ पर के जी का मान, और जो कि रेडियस ऑफ प्लैनेट बराबर रेडियस ऑफ अर्थ बाई टू, टू को सॉल्व करो तो अर्थ पर का जी हो गया, तो अर्थ पर के जी का आधा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29, मतलब समझ लो कि जी का दो फॉर्मूला रखना है, एक तो आधा रखना है gm/r², का रखना है जी गुने 4/3 pi r ρ, जी गुने 4/3 pi r ρ, ये तब लगाना है जब डेंसिटी पर खेला हो, और ये तब लगाना है जब मास पर हो, जी का दो फॉर्मूला में साथ रखिए, आज क्या रखना है यही याद रखो, अब मोटा मोटी काट लो, मैंने 4/3 pi r³ गुने रो करके, जी एंड जी पी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जी एंड जी पी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड अनदर प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज ट्वाइस, मास एंड रेडियस इज ट्वाइस, एक अर्थ है एक प्लैनेट है, इससे मास उसका मास दुगना है, रेडियस भी दुगना है, इसका जी ई इसका जी पी सतह पर त्वरण प्रमाण, रिलेशन बिटवीन जी ई एंड जी पी देखो ना, जी ई बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, जी पी बराबर जी एम by r square बराबर g by 2, तो gp बराबर g by 2, अर्थ का g बटे 2, तो g बराबर 2 gp,
हो गया आंसर। 31 नंबर सवाल, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, जी एट डेप्थ बाई बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सरफेस से बाई नीचे जाना है, बाई नीचे जाना है, इज सेम एज, इज सेम एज, हाइट एक्स एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गया कि बाई नीचे, आई हो गया एक्स ऊपर, सरफेस से बाई नीचे और इस सरफेस से एक्स ऊपर, सतह से एक्स ऊपर जाने पर जी का मान, सतह से बाई नीचे आने पर जी का मान बराबर है। मतलब बाई बराबर 2x, इसका मतलब बाई बराबर 2x। और क्वेश्चन में लिखा होता कि एक्स बहुत छोटा है आर से, क्योंकि ऊपर जाने पर जी का फॉर्मूला 1-2h/r तब होता था जब h का मान बहुत छोटा था, तो सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसे लगा दिए, नहीं तो फॉर्मूला ही लगाते, g/1+h/r² मेन पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का फॉर्मूला ई वाला है, लेकिन h जब बहुत छोटा होता है तो क्या लगाते हैं, 1-2h/r, तो x ऊपर गया तो 2x/r। If the earth stops rotating about its own axis, क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, then what value of precession due to gravity at equator increases? तकरार इक्वेटर पर, यहाँ पर g का मान कितना बढ़ जाएगा? अभी देखो क्या है, अभी यहाँ पर क्या होता है कि एक त्वरण अंदर काम करता है, एक वो बाहर काम करता है, पृथ्वी के घूमने के चलते ओमेगा से यहाँ पर एक त्वरण काम करता होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, बात समझिए, अगर पृथ्वी मतलब नहीं घूमे तो सिर्फ जी काम करेगा ना, पृथ्वी नहीं घूमे तो सिर्फ जी काम कर रहा है अपना, पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर वस्तु पर एक बल और रहेगा ना, कितना त्वरण, ओमेगा स्क्वायर आर, ये कितना तेजी पर घूम रही है, हर तेजी पर, इक्वेटर वाले वस्तु के बारे में पूछ रहा है, इक्वेटर पर वाले वस्तु के बारे में पूछ रहा है, ऐसे पृथ्वी के घूमने के चलते जी का मान कितना होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, यहाँ थीटा है मान के हम लोग बनाते थे थ्योरी में, तो यहाँ पर जी का मान कितना होता था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान जीरो हो जाएगा तो कॉस 0 1, तो इक्वेटर पर जी का मान कितना होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर पर जी का मान इतना होता है ना, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो थ्योरी में करवाया गया है, इक्वेटर पर जी का मान जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इतना ये तो मान जीरो हो जाएगा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे ये जो घटा हुआ मान तो जीरो हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज किया, बोले ओमेगा स्क्वायर आर, खरा पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तब इक्वेटर पर जी का मान में क्या वृद्धि होगा, बोले पृथ्वी यदि घूम रही तब जी का मान कितना है, इतना है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अगर घूमना बंद कर दे तो बोले जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी सिर्फ, तो इससे कितना ज़्यादा है ओमेगा स्क्वायर आर, आंसर होगा हम लोग का ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा बराबर 2π/T, पृथ्वी का टाइम पीरियड 24 घंटा, 24 × 60 × 60 का होल स्क्वायर अगुने 6400 × 10³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
बाकी तो ये कैलकुलेशन का विषय है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो भी आंसर आएगा उसको आप बदल दीजिएगा फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो आंसर आपका आ जाएगा। पृथ्वी के घूमने चलते इक्वेटर पर जी का मान कितना है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो जी बचेगा, इससे ज़्यादा है कम बोले ज़्यादा, कितना ज़्यादा है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर लगा दिए, ओमेगा बराबर 2π/T, टी का मान 24 घंटा, 24 घंटे 60 का होल स्क्वायर, आर का मान 6400 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, फिर आप चाहें इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 32 इन द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल, अरे पोल पर क्या असर पड़ेगा भाई, पोल पर तो 33 नंबर सवाल है, पोल पर तो जी का मान जी ही होता है, पोल पर जी का मान पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करता ही नहीं है, पोल पर जी का मान पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो पोल पर आदमी होगा उसके लिए त्रिज्या थोड़े है, ये जो आदमी यहाँ पर उसके लिए त्रिज्या ऊपर लगे थोड़ा सा त्रिज्या कम, ऊपर थोड़ा सा त्रिज्या कम, ऊपर थोड़ा सा त्रिज्या कम, जो पोल पर उसका उसके त्रिज्या जीरो का मान है, तो पोल पर जो आदमी है उसको तो बाहर के लगने वाला फोर्स का अनुभव ही नहीं होता होगा, तो बस करवाया गया था कि पोल पर जो जी का मान है पृथ्वी के घूमने के चलते कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो पृथ्वी घूमना बंद कर दे चाहे घूमना शुरू कर दे, पोल पर जी का मान फिक्स है, जी ही होगा, वही लिखा हुआ कि नो चेंज। 34 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान एट ए लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर क्या होगा, 45 डिग्री पर कितना बढ़ेगा, तो हम बता रहे थे एक्चुअल कि एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना पृथ्वी के घूमने के चलते वो होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो मेन फॉर्मूला है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल है कि थीटा का मान जहाँ 45 डिग्री पुट कर देंगे तो 45 डिग्री पर बताओ, अगर घूमना बंद कर दे तो फिर घूमना बंद कर दे तो फिर जी का मान जीरो हो जाएगा, जी हो जाएगा, यदि ओमेगा बराबर जीरो तो जी हो जाएगा, पृथ्वी अगर घूम रही है तब 45 डिग्री पर जी का मान होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, लेकिन अगर घूमना बंद कर दे तो जी का मान जी हो जाएगा, तो इससे ही कितना ज्यादा है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माने ओमेगा स्क्वायर आर बटा 2। अब देखो ओमेगा स्क्वायर आर का मान क्वेश्चन नंबर 32 में आ चुका है आंसर, तो 32 में आया था 3.36, इसका मतलब इसमें आंसर होगा 3.36/2। इसमें होगा आंसर ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 घूमने चलते जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2, घूमना बंद कर देगा तो ओमेगा जीरो होगा तो फिर जी आ जाएगा, तो इससे कितना ज़्यादा है ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2। जबकि क्वेश्चन नंबर 32 में ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.36, तो 3.36/2 तो लगभग लगभग आ रहा है 1.68, तो जो भी आएगा ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका 1.68 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34, 35 विद व्हाट स्पीड द अर्थ में रोटेट सो दैट बडीज लैंग एट इक्वेटर में फ्लाई ऑफ, कह रहा है पृथ्वी का स्पीड कितना गुना तेज कर दिया जाए ताकि जो बडी इक्वेटर पर है में फ्लाई ऑफ, मतलब कि उड़ने उड़ने को तैयार हो जाए, मैंने पृथ्वी से संपर्क छोड़ने छोड़ने को तैयार, कहने का मतलब समझो ना कि जी का मान जीरो हो जाए, इक्वेटर पर बारे में पूछ रहा है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर जी का मान कितना होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर पर जी का मान होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, कह रहा है कि जी डैश बराबर जीरो के लिए अगर पृथ्वी ओमेगा से घूम रही है तो इक्वेटर पर जी का मान होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, करा कि ओमेगा का मान इतना तेज कर दो कि मेरा मन में जीरो हो जाए, इक्वेटर पर ग्रेविटी फील नहीं हो, मैं फ्लाई ऑफ बॉडी लेके उठने उठने को तैयार हो गया है, तो इसका मतलब जी बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा जी बाई आर का रूट, इतना ओमेगा हो जाना चाहिए, ओमेगा का मान इतना हो जाएगा तो इक्वेटर पर वाला वस्तु को लगा कि अब तो हम उठ गए, मैंने उसको गुरुत्वाकर्षण का भास ही नहीं होगा, पूछ रहा है कि जो ओमेगा है पृथ्वी को ओमेगा का कई गुना ज़्यादा है,
अब कई गुना ज्यादा है तो निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा में ओरिजिनल ओमेगा से भागा दे देंगे, माने जी बाई आर के रूट में 2π/T से भागा दे देंगे, तब देखें जो आंसर आएगा ये लगभग लगभग 17 के आसपास आएगा। इक्वेटर पर जी का मान कितना होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना गुना तेज कर दो कि बाहर लगने वाला और अंदर की तरफ एक्सीलरेशन का मान बराबर हो जाए। यहाँ इक्वेटर है, यहाँ अंदर की तरफ जी लगता है, बाहर ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों बैलेंस होगा तब ना इक्वेटर पर वस्तु को ग्रेविटी जीरो फील होगा। तो जीरो फील होने के लिए जी इस बराबर होना चाहिए, माने ओमेगा का मान इतना होना चाहिए। इतना अगर ओमेगा पृथ्वी का हो गया तो इक्वेटर पर वस्तु को लगेगा कि हम लोग पृथ्वी की सतह को छोड़ने को तैयार है, फ्लाई ऑफ करने वाले। तो ये कितना है, अभी के ओमेगा से कई गुना ज्यादा है। अभी का ओमेगा कितना होता है, 2π/T, तो ई वाला ओमेगा के मान में ई वाला ओमेगा के मान से भागा देंगे, देखते हैं कई गुना ज्यादा है। तो 17 बार का कटेगा लगभग लगभग, तो लगभग 17 गुना ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि देखो क्वेश्चन, भाट विल बी द एंगुलर स्पीड एंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर स्पीड बताओ और टाइम पीरियड बताओ, तो एंगुलर स्पीड तो यही हो गया, यही सॉल्व कर लेना जी भाई यार का रूट, यही हो गया एंगुलर स्पीड, 35 भी हो गया और इसी में 36 भी हो गया, कि ओमेगा बराबर जी वाई आर का रूट, जी वाई आर का रूट। इन दोनों क्वेश्चन व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड तो ना निकल गया, एंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकाल लेना, ओमेगा का मान लग देना 2π/T बराबर ओमेगा, यहाँ से टी का मान निकाल लेना, या तो मुझवानी भी निकाल सकता है कि ई वाला ओमेगा का मान कई गुना ज्यादा है, 17 गुना। ई वाला ओमेगा का मान कई गुना ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा है। तो जब समझना पहले बात, मैंने पृथ्वी 17 गुना ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर दी, अभी पृथ्वी जितना स्पीड से घूम रही है उससे 17 गुना ज्यादा तेजी से घूमेगी, तब यहाँ वाला वस्तु को जीरो ग्रेविटी फील होगा, फ्लाई ऑफ करने को तैयार रहेंगे। अब पृथ्वी देखो क्या घूमने का तरीका, पृथ्वी घूमने का तरीका है कि एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगाती है पृथ्वी। अब 17 गुना तेज घूमेगी पृथ्वी, तो 24 घंटा में जो एक चक्कर लगा रही थी, 24 घंटा में एक चक्कर, अब 24 घंटा में 17 चक्कर लगाएगी। 17 गुना तेज का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटा में एक चक्कर लगा रही थी, अब 24 घंटा में 17 चक्कर लगाएगी, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 24 घंटा बटे 17। या तो कहाँ से निकालोगे तो वही बताएगा, ऐसे मौखिक बोलो तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा बटे 17, मैंने 24×60 अब बटे 17, तो लगभग लगभग लिखा हुआ कि 84 मिनट के आसपास आएगा। कितना आएगा, 84 मिनट में, मिनट में कर दिए ना, मिनट में कर दिए, 24 घंटा लिखा हुआ है, तो 84 मिनट के आसपास से आएगा। लगभग लगभग 1.4 घंटा आता है, काटेगा 1.4 घंटा आएगा, तो 1.4 घंटा अगर आएगा तो 1.4×60, तो 14×6 84 मिनट, एक ही बात हो गया। आ यही सवाल 37 नंबर भी है कि इन दोनों क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स विल मेक ए डे, एक डे में कितना समय लेगा। एक डे का मतलब, एक दिन का मतलब होता है 12 घंटा नहीं, एक दिन कभी बोले तो समझना कि एक दिन का मतलब हो कि एक दिन रात, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने को बोलते हैं कि एक दिन कंप्लीट हुआ। एक दिन बाद मतलब ऐसा नहीं कि 12 घंटा बाद, हमको अब हम किसी को बोलते हैं कि एक दिन बाद कोई काम वाला, कि एक दिन बाद होगा मैंने 24 घंटा बाद होगा, मैंने एक चक्कर पृथ्वी के लगाने के बाद, तो ये एक चक्कर लगाए पृथ्वी कितना देरी में, 84 मिनट में ना, तो वही हुआ एक डे। पृथ्वी जितना देरी में एक चक्कर लगाती है उसी को वो तो बोलते हैं कि एक डे, एक डे का मतलब एक दिन एक रात कंप्लीट, इसको एक डे बोलते हैं। ऐसे तो जनरल ये बोलते हैं, बाकी दिन रात जो बोले हम कि 12 घंटा दिन 12 घंटे रात, लेकिन पृथ्वी का एक चक्कर घूमने को बोलते हैं कि एक डे। इसे कोई काम है बोलते हैं कि एक दिन बाद होगा, एक दिन बाद होगा मतलब 24 घंटा बाद होगा, मैंने पृथ्वी के एक चक्कर लगाने के बाद। तो पृथ्वी अभी एक चक्कर कितना देर लगा रही है, 84 मिनट में, मैंने 1.4 घंटा में, इसका मतलब दिन और रात कितना हो गया, 24 मैंने 1.4 घंटा हो गया, दिन मतलब दिन नहीं एक डे कम्प्लीट दिन रात मिला करके, तब हो रहा है 1.4 घंटा में। तो यही सवाल घुरा के पूछा 37 नंबर में, जिसके आंसर होगा 1.4 घंटा, यही सवाल के आंसर हो जाएगा। तो 35, 36, 37 एक ही सवाल है, एक ही तरह से सवाल आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 में,
ए सैटेलाइट इज रोटेटिंग नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, एक एम मास का सैटेलाइट पृथ्वी के सतह के नजदीक चक्कर लगा रहा है, कहने का मतलब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसका स्पीड क्या है, फॉर्मूला हम लोग पता है ना, वी बराबर आया था अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच, यह ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जी एम बटे आर प्लस एच, और जी एम बराबर होता है जी आर स्क्वायर, अब आर प्लस एच का मान लगभग लगभग आर होगा क्योंकि एच बहुत छोटा है, तो अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी अपना सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा जो आना होगा। आंसर में दिया ही गया है अंडर रूट आर जी का मान लगभग आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, आर का मान 6400 किलोमीटर, मीटर जी का मान 10, तो 64 का 8 20 20 20 मैंने 1 2 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इन तरह क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड कितना हुआ जरा निकालते हैं, वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट आर जी, आई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, मतलब 2πr, अच्छा तो वास्तव में होगा 2πr + h, वास्तव में होगा एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा 2πr, तो इस तरह इस परिधि पर में चल रहा है 2πr, तो वास्तव में होगा 2πr + h, लेकिन h बहुत छोटा है तो 2πr, अब अटा वेलोसिटी अंडर रूट आर जी, वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होगा टाइम पीरियड, तो कितना लगेगा t बराबर 2πr/g, 2πr/g, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना मान आता है 2πr/g का आ रहा है 84 मिनट के आसपास, क्योंकि अपना आ जाएगा दशमलव 4 घंटा के आसपास। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस 6400 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, ये खुद 6400 किलोमीटर, यहाँ से फिर 6400 किलोमीटर आगे, यहाँ जो है सैटेलाइट है और ये अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की वेलोसिटी बताइए, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी बताइए, सैटेलाइट की वेलोसिटी बराबर अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस एच, तो अंडर रूट जी एम बटा आर प्लस आर बराबर अंडर रूट जी एम बटा आर एक बटा रूट टू, अंडर रूट जी एम बटे आर का मान अभी हम लोग लाए हैं कितना आया था 8000 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन नंबर 38 में इसको जब सॉल्व करें थे तो जी एम बराबर लिखे थे ना जी आर स्क्वायर बटे आर का रूट पाया था ना आर जी, अब गुना हो जाएगा 1/√2 आर जी और 1/√2, तो आर जी का मान कितना आया था जी, अब आर का मान 6400 किलोमीटर अगुने 1/√2, तो 1/√2 अगुने आया था 8000 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा हम लोग कितना 4√2, ये हो गया 8/√2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 4√2 किलोमीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 40। 41 में लिखा हुआ है कि इन द प्रॉब्लम कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड बताने में क्या इसमें तो और जल्दी बन जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब ये चक्कर लगाने में कितना समय लगा, सब तो पते है। ऐसे लिखो चक्कर लगाने में समय। 41 नंबर सवाल है। पहले तो 2 पाई आर प्लस एच इसका परिधि हो गया, एवरेसिटी का मान जी एम बटा आर प्लस एच का रूट, तो 2 पाई 2 आर और अंडर रूट जी एम बाई 2 आर, अंडर रूट जी एम बाई 2 आर, तो अंडर रूट जी एम बाई 2 आर का मान तो आ गया 4.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे अब मान पुट करो सीधे, तो पर 4 पाई आर और नीचे में अंडर रूट जी एम बटे आर। अब किसका मान नहीं पता, सबका मान आपको पता है। ऐसे तो हम बोलें कि डायरेक्ट ऐसे कर लो कि 4 पाई × 6400 किलोमीटर अब बटा अंडर रूट जी एम बटे 2 आर का मान आया था 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, सेकेंड चल जाएगा ऊपर, तो 6400 × √2 × π सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 6400 × √2 × π सेकेंड में। मन करे तो आंसर आगे बदल लेंगे मिनट में, तो सेकेंड में है ये है 60 से भागा दे देंगे तो मिनट में आ जाएगा हमारा 238 मिनट। 60 से भागा देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और पाई का मान 3.14 और उर्दू का मान 1.414, 3 बढ़े कुछ इतना तो करके देखना पड़ेगा। 6400 × √2 × π सेकेंड में आई, इसको मिनट में भागा देना है, तो मिनट से भागा देंगे तो कितना बार कटेगा, 60 करना पड़ेगा ना, 60 से भागा देंगे तो इसमें जब 60 से भागा देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो 640/6 मतलब 320/3 आर टू पाए कितना मिनट आएगा, तो तीन और पाई का मान 3.14 तो 1.5 और उर्दू का मान 1.414 238 मिनट में तो नहीं आ रहा है, सीधे ही बना दिया है फार्मूला से, लेकिन ऐसे भी आना चाहिए था। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई आर, पूरा परिधि हो गया 2 पाई आर, आर के जगह आर प्लस एच 2 पाई 2 आर, ठीक है। अब बटा वेलोसिटी, वेलोसिटी अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच, अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच आर आर 2 आर, तो अंडर रूट जी एम बाई 2 आर, अब अंडर रूट जी एम बाई 2 आर का मान अभी आया था 4.2 किलोमीटर। अच्छा 6400, यहाँ गलती कर दी, 6400 × π बटा रूट दो ना, 6400 × π बटा रूट दो, 6400 × π बटा रूट दो सके, अब 60 से भागा दें तो 320/3 × π बटा रूट दो आंसर आएगा मिनट में, तो आ जाएगा आंसर। हर एक फार्मूला से यानी कंसेप्ट से खाली बना सकते हैं, जैसे वेलोसिटी का फार्मूला इनको याद करना जरूरी नहीं है, बना के देख लो, बाहर लगा दो फोर्स एम वी स्क्वायर बटा आर, अंदर में जी एम एन एम टू बटे आर स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करो आगे रूटल वेलोसिटी, तो आ जाएगा आंसर। लोग बोलो 3.14 √2 और 3
320 चलो वाला मोटा मोटी आवाज आएगा 238 मिनट के आसपास, वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, गलती टू ऊपर जा रहा था। तो इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हमका फॉर्मूला सुने सीधे सॉल्व किया एकदम बेसिक, एक चक्कर लगाने में 2πr परिधि के बराबर बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी स्पीड बराबर टाइम। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट अराउंड द अर्थ इज 84 मिनट। कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है 84 मिनट में, तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेटेलाइट बिकम्स 4 times। अगर डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो हम लोग पढ़ते ना कि T²√R³। वास्तव में समझ ये बोला R³ उबला आप लिखेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा। ER का मतलब हुआ पृथ्वी के सेंटर से सैटेलाइट की दूरी, या फिर केपलर सलामी बात पढ़े थे भी बहुत तरीका से ऐसे लिखा होता था कि T=R³/2। पढ़े थे कि टाइम पर जो सैटेलाइट का होता है ना R³/2 के समानुपाती होता है। तो जैसे भी समझो T=R³/2 होता है। तो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ द डिस्टेंस सेटेलाइट बिकम्स 4 गुना। अगर डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया जाए तो पहला टाइम पीरियड टी, अब तो टी से लिख दो कि टी बराबर कोई कांस्टेंट R³/3/2। अब पहला सवाल कि T₁ = K 4 गुना करना है 4 times, तो T₁ निकल जाएगा, T₂ = 2 times, और 3 times। फिर T₁ निकालते हैं कि 4³/3/2 और R³/3/2, तो K और 4³/3/2 बराबर टी, तो T × 4³/3/2, तो T × 8, तो 8T। और शुरू में टी का मान लिखा है 84 मिनट, टी का मान दिया गया है 84 मिनट, तो 84 × 8 8 × 32 = 2, बाकी 3 × 64 = 65, 66 = 67 T₂ = K₂/3/2 R³/3/2, तो टी के R³/3/2 बराबर टी, और 2³/3/2 का मतलब 2 × √2, तो 84 × 2 × √2 इतना मिनट आएगा। 3³/3/2 R³/3/2, तो ये दोनों मिलकर 3 × √3, तो 84 × 3 √3 इतना मिनट ही आएगा, उतना मिनट वो आंसर आएगा। तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 42 तक का सवाल।